सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगी। What's up everybody? Thank you. Namaste for having me. अभी बिग बॉस सब जगह छाया हुआ है, आप बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, सो आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लाइफ में अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं बिग बॉस 11 के बाद। फाइनलिस्ट, मैं फाइनलिस्ट रहा हूँ, बट यस बिग बॉस की वजह से मेरा एक्चुअली मैं बहुत अच्छे ट्रैक में जा रहा था और बिग बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा बूस्ट कर लिया है। पहले मैं मीट ब्रदर्स के साथ था, फिर सुखविंदर सिंह लेजेंड के साथ मैंने 40 शोज किए थे, और फिर बिग बॉस के बाद मैं एक शैडो में से निकल के खुद का मैं ओन मैन बनाऊँ, और बहुत हार्ड वर्क करके मेरा पहला गाना आया था बैंग बैंग म्यूजिक वीडियो, इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय एनवी वर्ल्ड वाइड विनय भारद्वाज एंड सपोर्टेड बाय महेश भट्ट। उन महेश जी ने मेरे लिए बहुत सारे ट्वीट्स लिखे, मुझे गोद में बिठाया, बोला तू मेरा बेटा है, शाहरुख सलमान संजय मेरे बेटे, आज तू भी मेरा बेटा है, आई लव हिम। फिर दूसरा गाना आया था मेरा नागिन डांस जी म्यूजिक कंपनी में, और अभी मेरा नया गाना जो आया है उसका नाम है दोस्ती #friends। मैंने खुद का चैनल ओपन किया और मेरे चैनल का नाम है ए कैश म्यूजिक, ACASH ए कैश म्यूजिक, और गाने का नाम है दोस्ती। और ये गाना बहुत पॉजिटिव गाना है, इसमें मैं बोलता हूँ कि हम सब स्टार है, हम सब मंजिल के पीछे जा रहे हैं, अगर आप सपने देखोगे बड़े आप करोगे वही, आगे खड़े सबसे पीछे मुड़ोगे नहीं, यू नो, और लोग रोके टोके लेकिन यारी अपनी सगी, आज खुश रहेंगे कल जीत अपनी पक्की। सो बहुत पॉजिटिव सॉन्ग है, और जो भी मैं गाने करता हूँ वो सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, पर मेरा नेक्स्ट गाना बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहने वाला है। ओके, दोस्ती सॉन्ग बनाने का आइडिया कहाँ से आया ये जानना चाहूँगी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट में मेरे सब दोस्त लोग ही इन्वॉल्व थे, मेरे जो डायरेक्टर है वो पहले एडी थे अब डायरेक्टर बन गए ऋषभ अग्रवाल, उनने मसान, ग्रैंड मस्ती, चोरों की बारात, सुपर से ऊपर, द इंटरनेट अफेयर और बहुत सारी मूवीज़ की हैं, और सरवनन जो हमारे DOP है और जो हमारे एसोसिएट और DOP है सिद्धार्थ, हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, और जिसने मेरा म्यूज़िक बनाया शुभम सिंह जदौन ने, और जिसने मेरा मिक्स और मास्टर किया है उसका नाम है अमित मिंज, जिसने मेरे साथ लिरिक्स लिखे लव बग्गा। सो हम लोग दोस्ती, हम लोग सब इतने अच्छे दोस्त हैं, तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैंने सोचा दोस्ती के ऊपर ही करते हैं, और एक बहुत पॉजिटिव नंबर था जिससे मैंने आपको बताया सब हम सब स्टार हैं, हम सब मंजिल के पीछे ही जा रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इट। ओके भैया, एक से सॉरी कट कर सकते हैं क्या? कट। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका न्यू सॉन्ग जो दोस्ती आया उसके बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, मेरा नया गाना आया दोस्ती #friends मेरे खुद के चैनल पे ACASH Music। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव गाना है, क्योंकि मुझे पता है ये लाइफ में सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो ये मैंने एक्नॉलेज किया क्योंकि मेरे सब दोस्तों की लाइफ मैंने देखी है, तो उनके ऊपर मैंने ये गाना लिखा है, और कोई लाइन्स आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। सपने हमने देखे बड़े करेंगे हम वही, आगे खड़े सबसे पीछे मुड़ेंगे हम नहीं, लोग रोके टोके लेकिन यारी अपनी सगी, आज खुश रहेंगे कल जीत अपनी पक्की। सो ये बहुत एक पॉजिटिव नंबर है, और इसके पहले मेरा आया था बैंग बैंग जो प्रोड्यूस बाय विनय भारद्वाज था विद एनवी वर्ल्ड वाइड सपोर्टेड बाय महेश भट्ट, और उसमें भी मैंने लिखा था नफरत करना बेकार है। फिर आया था नागिन डांस जी म्यूजिक कंपनी में, मेरी एक HOD थी और मुझे बोलती थी आकाश तू क्या करेगा ये करेगा, तो उस पर मैंने लिखा भी एक लाइन, कॉलेज की मैडम को करके दिखा दे हम। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे लोग को सपोर्ट करेंगे सब आगे बढ़ सकते हैं, you know? अगर एक दूसरे को भी अगर आप सपोर्ट करोगे दोस्त लोग, हम सब आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्ती सॉन्ग बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कब आया? देखो मेरे दोस्त ऋषभ अग्रवाल है, वो पहले AD थे, अभी वो डायरेक्टर बन गए, उनने ग्रैंड मस्ती, चोरों की बारात, मसान, सुपर से ऊपर, द इंटरनेट अफेयर, मेरे DOP सर थे सरवनन अवरसु, मेरा एसोसिएट DOP सिद्धार्थ, जिसने मेरा म्यूजिक बनाया शुभम सिंह जादौन ने, मेरे लिरिसिस्ट है लव बग्गा, जिसने मेरा मिक्स और मास्टर किया वो अमित मिंज। तो ये सब मेरे दोस्त लोग मिलके मैंने सोचा क्यों नहीं मैं दोस्त लोग के ऊपर ही गाना बनाऊँ, इतने मेरे को हेल्प करते, इतना मदद किया मेरे दोस्त लोग ने, तो मैंने सोचा एक पॉजिटिव गाना पूरे इंडिया के लिए और मेरे दोस्त लोग के लिए मैंने इसके लिए यही बनाया है। और अगर आपने देखा होगा ऐसा वीडियो आज तक इंडिया में नहीं आया है, मैं अब खुद अमेरिका में 10 साल था तो मैं बहुत इंटरनेशनल कॉन्टेंट बनाता हूँ। जैसे आपने देखे हमने कलर पैलेट में 5 कलर्स ही थे, हमने REXT यूज़ किया, द बेस्ट लाइट्स, द बेस्ट कैमराज, यू नो, एंड हमारे जो आर्ट डायरेक्टर थे वो भी रोहित शेट्टी के आर्ट डायरेक्टर ही है प्रवीण कुमार। सो वी वर्क विद द बेस्ट टीम इन द बिगेस्ट टीम टू मेक द मोस्ट इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। आई लव जी म्यूजिक कंपनी,
आई लव टी सीरीज. द थिंग इज ये लोग बस ये लोग अच्छा काम करते हैं बट इट्स ऑलमोस्ट सेम सेम. ए कैश जब भी म्यूजिक वीडियोज बनाता है इट्स वेरी इंटरनेशनल समथिंग न्यू और मैं वही करता हूँ. ओके आपका अपना चैनल है सो उसका आइडिया कब आया कि ये ओपन करना अपना. देखो बच्चे लोग आप सुनो मेरी बात, मैं आप लोगों को एक अच्छा एडवाइस देता हूँ. मैं अमेरिका से हूँ तो मैं मेरे दोस्त लोग अमेरिका से मैं बहुत बात करता हूँ तो मैंने लोगों को बताया कि अगर मैं टी सीरीज पे जाऊँ या जी पे जाऊँ दे ये लोग राइट्स रख लेते हैं या कोई पैसे दे देते हैं. बट अगर तुमने खुद का कंपनी और खुद का चैनल खोला और अगर गाना हिट हो गया और वायरल हो गया तुम वो पूरे पैसे कमा सकते हो, खुद के राइट्स रख सकते हो, खुद के हकदार हो सकते हो. तो दूसरों अपना काम तुम दूसरे को क्यों दो, खुद का काम करो, खुद के चैनल पे डालो. हाँ अगर आज स्ट्रगल होगा पर वो कल जीत होगी, यू नो कल जीत अपनी पक्की जैसे मैंने गाने में आपको बताया है. Okay. तो इसके लिए मैंने सोचा आज से मैं स्टैंड देता हूँ और इसके बाद मैं कोई मेरे चैनल को गाना नहीं देने वाला हूँ, मैं खुद के चैनल पर डालने वाला हूँ. क्योंकि आई एम द डॉन ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, द किंग ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक, वो आकाश ददलानी है, वो मैं हूँ. यस और कोई न्यू सॉन्ग आने वाला है उसके बारे में भी जानना. मैडम थोड़ा छुट्टी दे दो मुझे. Okay. अभी मैं एक गाना निकाला, 6 दिन एक हफ्ता हुआ है, 1 महीना छुट्टी दे दो. फिर उसके बाद पर मैंने बहुत सोचा है मैं एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल करने वाला हूँ. क्योंकि ना लोग भूल जाते हैं इंडिया में कि मेरा आधा जमाना आधा जिंदगी अमेरिका में मैं रहा हूँ. मेरी हिंदी भी थोड़ी बुरी है, आई एम सो सॉरी. आई हैव लिव्ड इन अमेरिका हाफ ऑफ माई लाइफ. People forget that Akash is from America. मेरी लाइफ इंडिया में भी है but मेरी लाइफ अमेरिका में भी है, लोग भूल जाते हैं. I like to smoke, I like to drink, I like to party with girls, you know, and girls like to party with me. ये लोग बस वो cute, कभी naughty, कभी ये ना. आई हैव गॉट अ बैड बॉय साइड ऑफ मी टू और अभी मैं वो खोलने वाला हूँ, अब मैं रुकने नहीं वाला हूँ. अभी 2020 बहुत क्रेजी होने वाला है और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है. इट फील्स वेरी एम्प्टी विदाउट मी. ओके बिग बॉस हमेशा से छाया हुआ रहता है, हर बार हर सीजन को लाइक किया जाता है. आप 11 में आए थे, सीजन 11 में, इस बार सीजन 13 चल रहा है. सो इस बार आप कितना फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली मैं आपको झूठ थोड़ा भी नहीं बोल सकता हूँ. सीजन 13 मेरा सॉरी माय मॉम इज टॉकिंग, पॉज करो सॉरी. बिग बॉस रोली, सो आप बिग बॉस 13 को कितना फॉलो कर रहे हैं ये जानना चाहूंगी. देखो आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं था, मैं अमेरिका से हूँ जैसे आपको पता है. तो एक दिन मैं ऐसे ही मेरी मॉम के कमरे में आया, वो बिग बॉस देख रही थी. उसने बोला आकाश तू क्यों नहीं ट्राई करता है. तो मैंने वूट में अपलोड किया, मैं बिग बॉस सीजन 11 में आया. 2 साल तक मैंने मेरा बिग बॉस खुद नहीं देखा और अभी 1 महीने पहले मैंने बिग बॉस सीजन 11 देखा और मैं बहुत नाराज़ हूँ. मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई वो शो में और आपको उसके बारे में बताऊँगा. तो अभी बिग बॉस 13 आया है, ऑब्वियसली मैंने बिग बॉस 12 भी नहीं देखा था, अभी बिग बॉस 13 आया है. और आसिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिस तरह आप बैठे हो आसिम यही बिल्डिंग में आके मेरे साथ इन्जॉय किया, चिल किया है और उसको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ. मैं मेरे फैंस को पूरे इंडिया को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आसिम को ही जिताना है बिकॉज आसिम रॉक्स. और जो बिग बॉस सीजन 11 की जो बात हुई, यू नो मैं इतना क्रेजी और पागल क्यों हुआ एज यू वुड से, पता है क्या, ये लोग वो घर के अंदर सच का साथ नहीं देते हैं, यू नो. और अगर सलमान भाई कोई फेवरेटिज्म कर लेते हैं और अगर वो फेवरेट कंटेस्टेंट के अगर आप खिलाफ या कुछ बोलो तो आपके लिए वो बुरा हो जाता है. तो इन्होंने मुझे इतना नीचे गिराने की कोशिश की, मुझे इतना बुरा दिखाने की कोशिश की. और अगर आप भूलना मत, शिल्पा शिंदे को माँ का दर्जा मैंने दिया था, पूरे शो का एंटरटेनमेंट मैं था. इवन दो ये लोग के थोड़े बहुत नोक जोक चलते थे ये ना वो, पूरे घर को क्रेजी मैंने किया था. दैट शो सलमान भाई आते थे वीकेंड के वार पे, rest of the show I made it go crazy and viral, that was me. And Salman bhai se hum sab pyar karte hai but the thing is Salman bhai favoritism karte hi hai aur aadhe se zyada log characters apne khol bhi nahi pate show ke andar kyunki unko dar hai agar Salman bhai kuch galat bol denge to unke career ka kya hoga. Unne bhi mujhe ek do cheeze bola tha par Salman bhai ne mujhe ek cheez hamesha boli thi, kabhi darna nahi chahiye. Unne bhi mujhe ek do cheeze negative boli thi par jaise hi main bahar aaya मुझे महेश भट्ट ने गोद में बिठाया अपने, यू नो बच्चे जैसे, और उसकी पूरी टीम से मिलाया, मेरे बारे में ट्वीट्स लिखे. उनने मुझे बोला सलमान शाहरुख संजय मेरे बेटे हैं, तू भी मेरा बेटा है आज तक. मेरा इतना बड़ा गाना निकाला, मेरा पहला गाना इतना बड़ा था, मेरी एंट्री बैंग बैंग वी एंड देन. सो या दैट्स अबाउट इट. बट मेरी मॉम बहुत देखती है, मेरी मॉम रोज़ देखती है और मुझे दिन रात मुझे बताती है जो भी होता है, वो मुझे आके बताती है ये हुआ ये हुआ ये हुआ.
पर मैं आसिम की फुल सपोर्ट में हूँ। ओके, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन लग रहा है बिग बॉस हाउस में मेरे अलावा? जी, मुझे आसिम, आप जो भी पूछोगे मिले वो आसिम ही रहेगा, क्योंकि मुझे आसिम ही पसंद है और मैं आसिम को हर इंटरव्यू में हर जगह उसको ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त है वो और मैं चाहता हूँ वो जीते। इज़ अ वेरी हैंडसम यंग मैन, वो टैलेंटेड भी, अगर आपको पता है उसको रैपिंग भी पसंद है। एंड आई होप मीन आसिम एक दिन हम लोग एक वीडियो भी कर पाए साथ में, वाई नॉट। ओके, आसिम के अलावा शहनाज और हिंदुस्तानी भाव कितने एंटरटेनिंग लगते हैं आपको? ओ हाँ, मुझे हिंदुस्तानी भाव बहुत पसंद है। एक्चुअल में बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड एंट्री के पहले मेरी मॉम से मिले थे CCD में ही। वो मेरे मॉम के ब्रदर है, माई मॉम इज़ वेरी एल्डर लेडी, उनके ब्रदर है। मेरी मॉम थोड़ी एडवाइस और टिप्स दे रही थी, बट ये डाका की पेड़ा बना रही है ना, जी जोकिंग। आई लाइक हिंदुस्तानी भाव, ही इज कॉमेडी और कुछ तो घर में कॉमेडी हो रहा है झगड़े के अलावा, सो ही इज कूल, आई लाइक हिम। किसका गेम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है बिग बॉस हाउस में? मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट गेम आसिम का ही लग रहा है। मैं आसिम के अलावा, आई टोल्ड यू देयर इज नोबडी फॉर मी, आई लव आसिम, ही इज माय ब्रदर। और अगर जो मेरा दोस्त होगा मैं उसको अनकंडीशनली सपोर्ट करूंगा, बिकॉज ही इज अ कूल डूड एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू विन द शो। आसिम और सिद्धार्थ का जो बॉन्डिंग है वो आपको कितना पसंद आ रहा है? इट्स लाइक सिद्धार्थ और आसिम का वही बॉन्डिंग जैसे मेरा पुनीश का था। ये लोग, हम लोग दोस्त थे स्टार्टिंग, फिर बीच में झगड़ा हुआ, फिर भाई ने समझाया, फिर वापस दोस्त ये लोग बन गए, तो ये लोग का भी वही सेम ही चल रहा है, सेम पैटर्न। देखो बिग बॉस सीजन 11 एक बेंचमार्क था, हमने एक स्टेटमेंट बना दिया था। अभी क्या है ना, सीजन 12 में हम लोग कॉपी करने की कोशिश की सीजन 11 को, कोई किचन में, कोई मास्टरमाइंड, कोई ये। अभी सीजन 13 में क्या हो रहा है, जैसे आकाश झगड़ता था ये ना वो, या कोई किचन में होता था या कोई लव कहानी, वो सेम चीज़ है। सीजन 11 वापस कभी आ नहीं पाएगा, हमने एक बेंचमार्क बना दिया है। तो लोग जब भी आते हैं, ये लोग स्टडी करके आते हैं, लाइक मैंने कभी स्टडी किया नहीं था ये शो, ये लोग स्टडी करके आते हैं और देखते हैं क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को पता ही है, यू नो। सो आई स्टिल फाइंड इट इट्स लाइक अ लिटिल बिट लाइक सीजन 11 ओनली, बट सीजन 12 से तो अच्छा चल रहा है, मुझे ये पता है। सीजन 13 इज रॉकिंग दिस ईयर। और मैं आसिम के इंस्टाग्राम में तो देखता हूँ, क्योंकि उसका भाई अपडेट करते रहता है। सपोर्ट आसिम, ऐसे ही कुछ ट्वीट था, 692K ट्वीट्स, इट वाज द नंबर वन ट्रेंडिंग इन ट्विटर, ऑल ऑफ ट्विटर आसिम के लिए, जस्टिस फॉर आसिम, दैट्स व्हाट द ट्विटर वाज। और सबसे कमजोर, सबसे वीक आपको कौन नजर आ रहा है बिग बॉस हाउस में? ऑनेस्टली मैं ऐसा बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि देखो ये हम लोग इंडिया में, इट्स द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसमें से 18 लोग ही चुने जाते हैं सबसे नंबर वन शो करने के लिए, तो सब में कुछ खास बात तो होगी। पर गेम का अगर देखा जाए तो आई जस्ट डोंट नो, यू नो आई वॉन्ट टेक अ नेम, बट मैं इतना देखा नहीं हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पर मेरे मॉम के हिसाब से अगर आपको बताऊँ जो सच है, जो मेरी मॉम मुझे बोलती है, हाँ। वो बोलती है मायरा। ओके, सबसे वीक नजर आ रही है मेरी मॉम को। मेरी मॉम, पारस छाबड़ा का गेम कैसा लग रहा है आपको? पारस इज मुझे पसंद है पारस, मेरी लाइक वो फ्लर्ट करता है बहुत, जैसे मैं भी फ्लर्ट करता था, एंड ही इज कूल ब्रो। बस वो हाँ फाइट वाइट कर रहा है जैसे सब लोग करते हैं, ये बिग बॉस का घर वही है एक्चुअल में, अगर कंट्रोवर्सी नहीं हो, फाइट नहीं हो तो शो चलेगा ही नहीं। पारस और माहिरा का जो बॉन्डिंग है, दोस्ती है, वो कितना पसंद आता है आपको? इट्स गुड, इट्स लाइक आई वुड से इट्स अ फन लिटिल थिंग। शी इज क्यूट, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, सो कुछ अच्छा हो सकता है, यू नो ये लोग के फैंस तो पसंद ही कर रहे होंगे ये सब चीजें। आप कितना मिस करते हैं बिग बॉस हाउस को, सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं? सच बताओ, जब मैं बिग बॉस के अंदर था तभी मेरे को बिल्कुल बाहर नहीं आना था, चाहे वो एक साल का भी शो होता, पर जब मैं बाहर आया, ऑब्वियसली मेरे दुनिया में आया, जिधर आप मेरे घर बैठे हो, मेरे को मेरे दोस्त लोग वापस मिले, म्यूजिक वापस आया, मैं स्पोर्ट्स, अभी मैं दो टूर्नामेंट जीत के आया हूँ, क्योंकि मैं टेनिस प्लेयर था, मैं अभी भी टेनिस खेलता हूँ, मैं मेरी गर्लफ्रेंड से वापस मिला हूँ, मैं पार्टीज करता हूँ वापस। सो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिग बॉस एक जेल है और मेरे को जेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने का है। लास्ट ईयर सीजन 12 में कुछ बातें हुई थी मुझे बुलाने के लिए वापस 3 से 5 हफ्ते के लिए, आई डोंट नो कुछ तो बातें हुई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मैं जा नहीं पाया ना गया मैं, एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट फॉर मी एनी मोर। मेरे को बस एक ही मकसद था कि पूरी दुनिया मुझे पहचाने, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रॉक स्टार हूँ, मेरे को बस एक ठप्पा चाहिए था जैसे बोलते हैं सेलिब्रिटी का, और बिग बॉस देता है, और मैं जिधर भी चलता हूँ कोने कोने में सब एक कैश और आकाश को जानते ही है, बैंग बैंग। सो मुझे वो जो मुझे चाहिए था बिग बॉस से मैंने ले लिया, अब मुझे बिग बॉस से कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, जर्नी कुछ अलग हुई? या लाइक आई सेड, लाइक पूरी इंडिया मुझे पहचानती है। मैंने पहले मैं सुखविंदर सिंह के साथ शोज करता था लाखों की भीड़ के लिए, वो सुखविंदर जी के लिए आते थे,
अभी भी आते हैं वो शोज़ करते हैं, अभी मैं शोज़ करता हूँ वो सब मेरे लिए आते हैं, हज़ारों 10,000। मैंने एक शो किया था 3,500 लोग के लिए पनवेल में, मैंने कॉलेज शोज़ किया है, एंड या दे ऑल कम फॉर ए कैश और बैंग बैंग। और बहुत चेंज हुआ, लाइक आई टोल्ड यू, मेरे म्यूज़िक वीडियो आए, महेश भट्ट के साथ मुझे काम करने मिला, उनके उनने मेरे ट्वीट्स लिखे, वो लेजेंडरी डायरेक्टर है। और मैं मेरा सोच क्या है कि अगर वो डायरेक्टर ने मेरे बारे में, महेश जी ने क्या लिखा था, ए कैश ददलानी रॉक्स इलेक्ट्रोफाइंग एनर्जी, ही लीव्स मी विद द थॉट यू कैन बिकम व्हाटएवर यू बिलीव। अगर ऐसे डायरेक्टर ने मेरे बारे में कुछ लिखा है और मुझे ऑलरेडी पता है अंदर मेरे में कुछ खास बात है, मैं इंडिया के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं, ऐसा विजन, ऐसा क्वालिटी, ऐसा क्लैरिटी कोई नहीं दे पा रहा है, और मैं ही हूँ वो एक बंदा जो नया कर रहा हूँ कुछ। नहीं तो मैं भी जाके कुछ भी ऐसे ऐसे करके वीडियोस बना सकता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि मुझे पता है इंडिया इज सच अ बिग मार्केट एंड इंडिया हैज सो मच स्कोप। और इंडिया में बहुत लोग अमेरिका करते हैं, क्यों करते हैं मेरे को समझ नहीं आता है। इंडिया में सब कुछ है और मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं मेरे शूट्स को इंडिया को मैं अमेरिका से भी बेटर बना देता हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत बहुत वंडरफुल प्लेस है एंड आई लव इंडिया एंड एवरीबडी लव्स इंडिया एंड इंडिया रॉक्स। बहुत लोगों का कहना है कि बिग बॉस में सलमान खान को बायस देखा जा रहा है, आप कितना एग्री करते हो? लाइक आई टोल्ड यू, फेवरेटिज्म तो करते ही है, लाइक यू नो उसने मेरे सीजन में शिल्पा शिंदे के साथ किया था, और मैं जो भी अगर कुछ बुरा या करता था तो मेरे लिए वो बुरा दिखता था। तो और सलमान भाई भगवान नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे आपको पता है उनका एक एनजीओ भी है बीइंग ह्यूमन। और अगर एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन को ऑलवेज एक फेवरेटिज्म, यू नो ही समबडी हैज लाइक, अगर मैं बिग बॉस का होस्ट होता और सलमान अभी सॉरी अगर और अगर आसिम मेरे कंटेस्टेंट होते हैं, तो मैं फुल आसिम को ही फेवरेटिज्म करता, चाहे वो गलत हो या सही हो। सो दैट्स व्हाट ह्यूमन नेचर इज़ अबाउट। अगेन वो भगवान नहीं है, ही इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो और ह्यूमन टेंडेंसी में क्या है, फेवरेटिज्म बहुत प्ले होता है, और वो करते हैं, हम भाई से सब प्यार करते हैं, बट ही डज इट। और वो शो वो बोलते भी है, एकदम लास्ट टाइम उन्होंने बोला था, मेरी मॉम बता रही थी, इसके लिए वो शो ये नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ऐसे ऐसे चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो यू नो दैट्स अबाउट इट यार। सिद्धार्थ शुक्ला का गेम कैसा लग रहा है, वो बहुत स्ट्रांग माने जा रहे हैं? येस दैट्स इट, आई लाइक सिद्धार्थ शुक्ला बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो आसिम का दोस्त है इसके लिए, और दूसरी बात है कि ये ऐसे लोग ही आगे तक जाते हैं, यू अंडरस्टैंड, ऐसे ऐसे जो पूरा घर उनके अगेंस्ट हो जाता है, वो ही लोग इतना आगे जा पाते हैं। लाइक मेरे साथ पूरा घर मेरे साथ अगेंस्ट हो गया था, इसके लिए मैं फनैली तक गया था। नाइन्थ वीक में जो बिग बॉस का था, शिल्पा शिंदे और मैं नॉमिनेट हुए थे और वो जीती है शो, आपको पता ही है, इन्होंने वोटिंग लाइन बंद कर दी जिससे मैं शो से बाहर ही नहीं निकलूँ, यू अंडरस्टैंड। तो जो इतना कॉन्ट्रोवर्सी देता है वो बहुत आगे तक जाता है। इस बार आपको क्या अलग लग रहा है बिग बॉस 13 में बिग बॉस 11 से ज़्यादा? बिग बॉस 13 क्या सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको उसके अलावा? मेरे को बिग बॉस 13 सीजन 11 से बोरिंग लग रहा है, सीजन 11 से कोई बड़ा सीजन हो ही नहीं पाएगा। और बिग बॉस सीजन 13 मुझ में क्या पसंद है, मुझे ऑब्वियसली आसिम मेरा भाई पसंद है, ही रॉक्स यार, और मेरा फुल सपोर्ट उसकी तरफ ही है। इस बार जो सब टास्क कर रहे हैं, सब रद्द हो रहे हैं या फिर एग्रेसिव नेचर दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए? सलमान भाई ने हम लोग को बीच में बताया था, क्योंकि हम लोग के भी टास्क बहुत रद्द हुए थे, सलमान भाई ने क्या बोला, कोई कोई चीज़ें तुम कॉमेडी भी कर सकते हो, फन भी कर सकते हो, तो ऐसा करना चाहिए, पर अभी ये लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, यू नो देर पोकिंग ईच अदर जैसे और झगड़े हुए। सो ये होता ही है बिग बॉस घर के अंदर, पता क्या, ये लोग दूसरे दूसरे घरों से आ रहे हैं, दूसरे दूसरे शहर से आ रहे हैं, यू नो, सो दे ऑल एंड अप फाइटिंग, ये हो ही जाता है, डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट्स है, यू नो, सो दे एंड अप फाइटिंग, दिस व्हाट हैपेंस। आपको कौन लगता है कि फेक दिख रहा है टीवी पे? आई डोंट नो, कोई कोई लोग तो अपना पर्सनैलिटी छुपाते और खोलते भी नहीं है। कोई कोई लोग तो सलमान भाई के डर के वजह से खोलते भी नहीं अपने कैरेक्टर्स, लाइक आई टोल्ड यू, मैं नहीं बोल सकता, मैं आपको झूठ भी नहीं बोल सकता, मैंने ये शो बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, जो भी देखता हूँ तो मेरी मॉम मुझे बताती है। आपकी मॉम की फेवरेट कौन है? मेरी मॉम की फेवरेट आसिम है, हम लोग दिस इज अ आसिम हाउस होल्ड, लाइक इफ आई लाइक आसिम माय मॉम लाइक्स आसिम, और वो एक्चुअली में अच्छा है, वो जिस तरह से गेम खेल रहे हैं वो पसंद आ रहा है आपको? या आई लाइक इट इज़ अ गुड गाय, जितना मेरी मॉम मुझे बताती है, और कभी कभी मेरा मौका मुझे मिल जाता है, मैं देख लेता हूँ मेरी मॉम के साथ कभी कभी, आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ओके, आपके हिसाब से टॉप 3 फाइनलिस्ट कौन हो सकते हैं? थैंक्स फॉर आस्किंग, बिकॉज ये नाम मुझे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नंबर 1 पे है आसिम, ओके आसिम, नंबर 2 पे है हिंदुस्तानी भाव, ओके,
एंड नंबर तीन पे सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि वो आसिम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके, सो आपको कौन लगता है कि इस बार विनर ही होगा? मेरे को लगता है आसिम, आसिम ही जीतेगा ये पूरा शो। आसिम रियाज विल विन बिग बॉस 13 एंड ब्रिंग होम द ट्रॉफी। एंड आप अपने फैंस व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? Like I always tell all my fans, you know, all my rock stars, stay positive, be happy. Jao Akash Music pe, ACASH, Akash Music. Naya gaana suno, aap log ke liye hai. I love you, baby. Thank you so much. Thank you.